आज हमारे दूध वाले भैया ने एक गुड न्यूज़ बोला था। वो ये है कि उनकी भाईस की ना डिलीवरी हो गई है, तो उन्होंने ना कोलेस्ट्रॉम मिल्क जो होता है ना भाईस का, वो ला के दिए थे। उससे ना एक अमेजिंग सा स्वीट बनता है। उस स्वीट का नाम ना कहीं तो खरवा कहते, कहीं तो खीस कहते, हमारे उधर तो उसको चुन्नू कहते। हमारी तो इतनी वाव कंट्री है कि हर एक प्लेस का एक एक लैंग्वेज है और हर एक स्वीट का एक एक अलग नाम भी रहेगा ना अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। ये स्वीट बनाने के लिए ना हमको ना वो कोलेस्ट्रॉम मिल्क के साथ ना नॉर्मल मिल्क को कंबाइन करना है। अगर वो कोलेस्ट्रॉम मिल्क गाढ़ा होता है ना, तो उसको 1:1 रेशियो में नॉर्मल मिल्क से कंबाइन करना है। अगर वो मिल्क उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है तो हाफ रेशियो में हाफ नॉर्मल मिल्क मिला सकते हैं। अगर वो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, नॉर्मल जैसा है, मतलब थोड़ा पतला है, तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको अभी क्या करना है, उसमें चीनी ऐड करना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करना है और ब्लैक पेपर ऐड करना है। चीनी के बदले ना गुड़ भी ऐड कर सकते हो, या आधा चीनी आधा गुड़ भी कॉम्बाइन कर सकते हो। लेकिन वो करने के बाद ना हमको क्या करना है, वो चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। बस चम्मच से हिलाते जो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। गुड़ भी ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिसा हुआ गुड़ डालोगे तो। चीनी के मेल्ट होने के बाद एक बार चेक लेना कि चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है कि नहीं, तभी पता चल जाएगा चीनी ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मिल्क ऐड कर दो, अगर कम हो गया तो थोड़ा चीनी ऐड कर लो। कदम एक बाउल में ना, पतीले में या कुकर में, वॉट एवर इट इज़, इसमें ना 2 ग्लास ऑफ वाटर डालना है। थोड़ा सा वाटर डालना है, जैसे हम लोग इडली बॉयल करते हैं ना, ऐसे तरह एक बॉक्स में वो मिल्क को डाल देना है और बॉक्स ढक लेना है और कुकर का विजिल और रबर निकाल के उसमें चूल्हे पे रख देना है। ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स रखी थी मैं। हम टाइम ना, कोई भी रेसिपी का टाइम ना अलग होता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी वी आर टेकिंग, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉक्स भी डिपेंड होता है। इसको ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड इजीली कर सकते हो, लेकिन जिस शेप का मैं बॉक्स ली हूँ ना, उसमें डीमोल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अलग शेप है। अगर नॉर्मल बॉक्स हो तो जैसे केक जैसे डीमोल्ड हो जाएगा। मेरा तो कुछ देखा टाइप ऑफ बॉक्स है ना, वो नीचे से चौड़ा है और ऊपर से छोटा है, तो इसलिए मैं कट लगा के डिमोल्ड कर रही हूँ। इसको बस प्लेट में डालो और पलट देना है, ऊपर से मार लो। मैंने कांच का प्लेट लिया ना, ज़्यादा फोर्स लगा के नहीं मार सकती क्योंकि नीचे के प्लेट टूट जाएगा, तो मैं आराम से मार रही थी और वो ठीक से डिमोल्ड नहीं होगा। कोई बात नहीं, शेप से टेस्ट में डिफरेंस थोड़ी ना आएगी। देखो छुरी से कितना सॉफ्टली कट हो रहा है, ये ना जेली जैसा लगता है। इसको मिल्क केक कहते हैं, मिल्क पुडिंग भी कहते हैं ना। इसकी टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल रहेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना, ये वाला मिल्क बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है। जो सिटीज़ में है ना, उनकी तो वाट लग जाएगी ये स्वीट बनाने में, क्योंकि वो मिल्क मिलता ही नहीं है। और ये खाने में इतना अमेजिंग लगता है कि क्या बताएं, बस मुंह में डालते ही घुल जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।